नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनसे संबंधित कौन कौन से पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से गवर्नर जनरल के टेन्योर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम हुए थे। यहाँ पर हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन ने का जो टाइम पीरियड था वो 1899 से लेके 1905 का था। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1905 में, और इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी बनाया था। इसके अलावा इसने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 को भी एक्ट को पास किया था। इसी के अंडर में ही अपॉइंट द पुलिस कमीशन 1902 में इसने बनाया था अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, जिसने रिव्यू किया था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और उसने रिकमेंडेशन दिया था CID को फॉर्म करने के लिए। CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को बनाया गया था। इसके अलावा कई सारे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इन्हें संबंधित जो इनके शासनकाल के दौरान हुए थे। हमें देखेंगे एजुकेशन में इसने एम्फेसाइज किया था टेक्निकल एजुकेशन पर, और इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया था पूसा के अंदर। और इसके अलावा इन्होंने एक और कमीशन रेलिंग कमीशन को भी अपॉइंट किया था। उसने सजेस्ट किया था कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन पासिंग द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, उसने इसके थ्रू ये रेलिंग कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया था उसको, और इसके दौरान ये एक्ट पास हुए थे। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 को भी पास किया था, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 को भी इसी के दौरान लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाया एक्ट को पास किया गया था। तो यही इससे संबंधित लगभग इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी इसकी टेन्योर के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था, जिसने जो लेबर लॉज से संबंधित और जो इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल जो एस्पेक्ट थे उनसे संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा लिबरल करने की कोशिश की, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया का जो स्कोप है वो भारत में इम्प्रूव हो सके। तो यही इनसे संबंधित चीज़ें हैं। इसके अलावा हम अगला देखेंगे लॉर्ड मिंटो 2 के बारे में, जिनका टाइम पीरियड था 1905 से लेके 1910 के बीच में। और इस एरा ये माना जाता है कि हिज पीरियड इज विटनेस एज एरा ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया, क्योंकि इसके इसी टाइम पीरियड में, क्योंकि लॉर्ड कर्जन तो बंगाल का पार्टीशन करके चले गए थे, लेकिन जेल ना बेचारे इनको पड़ा था कि किस तरीके के प्रोटेस्ट हुए उसके दौरान। और इन्हीं के दौरान मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1905 और 1909 में भी 1909 पास हुआ था, और जिसको पॉपुलरली ये कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मेन रूप से स्टार्ट है। पर वो स्टार्ट तो पहले हो गई थी, लेकिन उसका जो एक्सपेंशन था वो स्टार्ट हो गया था बहुत ज़ोरदार तरीके से। और यहाँ पर हम देखेंगे इसी के टाइम पीरियड में कांग्रेस का जो डिवीज़न हो गया था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, सूरत सेशन गए 1907 में। और यहाँ पर जो इसके अलावा इन्होंने जो मुस्लिम लीग थी उसका भी 1906 में फॉर्मेशन हुआ था अंडर द आगा खां लीडरशिप में, ढाका के अंदर उसको बनाया गया था। तो ये इससे संबंधित चीज़ें हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ये एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इसने क्या कहते अनरेस्ट का क्रिएट कर दिया था बंगाल के अंदर, और उसके दौरान आपका बॉयकॉट जो फॉरेन गुड्स थे उनको भी एक कहने का मतलब कि मूवमेंट बन गया था ये चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी 1906 में, और जिसके मेन हमें हमारे देश को पार्टीशन का
क्या कहते हैं उसको, पार्टीशन हुआ उसकी वजह से, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907 में हुई थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में हो गए थे। इसके अलावा हम अगला देखेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग टू। हम एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको पॉज करके इनकी टेली इनको लिख सक और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन याद करना कि इनके अलावा आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कोई स्कोप नहीं होता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में, लॉर्ड हार्डिंग टू के बारे में, 1910 से लेकर 1916 के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक टर्मोइल का पीरियड रहा था ये, वो लेकिन थोड़ा सा कम रहा था वो, अगर हम बात करें तो लॉर्ड मिंटो के दौरान की बात की। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम पीरियड, जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था इसके दौरान, वो यही था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल करजन ने किया था उसको जो अनलमेंट कर दिया था उसने, यानी कि उसको रद्द कर दिया था उसने 1911 में, और इन्होंने अनाउंसमेंट की थी दिल्ली बिकेम ए कैपिटल 1912। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को, क्योंकि ये कई बार हम पूछ लेते हैं कि दिल्ली को कब कैपिटल बनाया, कई सारे स्टेट पीसीएस में ये एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आया हुआ है, और यूपीएससी के जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम हैं एनडीए सीडीएस सीएपीएफ, वहाँ पर भी रेलवे वगैरह में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अगला हम ये देखेंगे कि थर्ड दिल्ली दरबार, इसी के अंडर में, इसी के टाइम पीरियड में सेलिब्रेट किया गया था 1911 में। उस समय जो इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज V, वो इंडिया आए थे, और ये एक टाइम पीरियड ऐसा भी था ब्रिटिश के लिए कि थोड़ा टफ टाइम पीरियड था, क्योंकि इसी के दौरान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुआ था 1914 में। हम यह देखेंगे कि द एडवेंट ऑफ गांधी एरा, गांधीयन एरा इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, गांधी जी का आगमन हो गया था 1915 में, वो गांधी जी इंडिया आ गए थे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनाई गई थी अब द रिग्रेस एफर्ट ऑफ मदन मोहन मालवीय के दौरान। ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो 1916 में बनाई गई थी, तो जब ये इवेंट बन रहा था तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार इसमें नेशनल लेवल पर उनकी बात को सुना गया था, ये एग्ज़ाम में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये EPFO के पेपर में आई हुई है, UPSC का जो पेपर हुआ था 2020 वाला, उसमें तो पहली बार उन्होंने वो नेशनल लेवल पर आए थे। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कि लॉर्ड चेलम्फोर्ड, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, ये इनका टाइम पीरियड रहा था 1916 से लेके 1921 के बीच में। हम यहाँ पर इसके अलावा और तो कोई इसमें चीज़ नहीं, हम एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि इसमें लॉर्ड हार्डिंग के दौरान में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हुआ था कि दे हिंदू महासभा 1915 में बनाई गई थी, ये भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था यहाँ पर। अब हम आएंगे लॉर्ड चेलम्फोर्ड पर। अब इसमें जो 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया, इसी के दौरान आया था, और एक डायरची यानी कि ड्यूअल सिस्टम को लेके आया था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर वो जो गवर्नेंस है वो परफॉर्म करेगी। अब हम देखेंगे कि डायरची सिस्टम है ये प्रोविंस में लाया गया था, सेंट्रल में नहीं लाया गया था, ये फिर 1935 में एक्ट के थ्रू इस डायरची जो सिस्टम था उसको जो प्रोविंस में था उसको रद्द कर दिया था, लेकिन उसको डायरची सिस्टम को 1935 के एक्ट में सेंट्रल में डाल दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कई बार ये चीज़ें हम भूल जाते हैं या हम मिस आउट हो जाती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं कि डायरची का नाम दिमाग में आते ही आप 1919 का एक्ट याद नहीं आ जाए। याद रखना कि 1935 के एक्ट में भी इससे संबंधित प्रोविजंस हुए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रॉयल एक्ट, जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते थे, 1919 में आया था। इसका मेन पर्पज़ यही था कि बिना किसी ट्रायल के किसी पर भी आपको
शक वगैरह हो आप उसको जेल में डाल सकते हो। ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी रॉयल एक्ट सत्याग्रह लेके आए थे, तो उसको उसी के बाद में हम कहते हैं कि पहली जो इंडिया के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर जो स्ट्राइक हुई थी वो उसी के टाइम पर टाइम पीरियड के दौरान हुई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसपी सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ बिहार, वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर। याद रखना कि 1757 के बाद ये 1919 में जो एक्ट आया था उसमें पहली बार, यानी आप देख सकते कितने बड़े 150 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद हमें इंडिया को फर्स्ट गवर्नर मिला था बिहार का एसपी सिन्हा के रूप में। ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भूल जाएं इस चीज़ को। इसके अलावा हमें नेशनल मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ होम रूल बनाई गई थी अब एनी बेसेंट और तलक के एफर्ट से 1916 में लखनऊ सेशन जो था कांग्रेस का 1906 में इसी के टाइम पीरियड पर हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने सहयोग करने की बात कही थी। जलियांवाला बाग का मैसेकर था 1919 में, वो भी ट्रेजडी इसी पीरियड में हुई थी। और जो महात्मा गांधी जी की जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जिसको हम NCM बोलते हैं, और ये चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, वो भी इसी के टाइम पीरियड के दौरान हुए थे। याद रखना इन सब चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपको बस ये जान लेना है कि इस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित कोई और पॉइंट रह गया है। हाँ, इसमें हम एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है कि जो फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम 1916 में बनाया गया था महात्मा गांधी जी के जब वहाँ से साउथ अफ्रीका से आए थे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मोस्टली तो हमने सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कर ही दिए हैं। एक चीज़ और रह गई है कि एक दो चीज़ कि जो तिलक का जो डेथ थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, वो भी इसी गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि द फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पुणे 1916 में बनाया गया था डी के कार्वे के द्वारा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो कई बार क्वेश्चनों में आया हुआ है कि वुमेन की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पर बनाई गई थी, वो पुणे में बनाई गई थी 1916 में बनाई गई थी, और किसके द्वारा बनाई गई थी, डी के कार्वे के द्वारा बनाई गई थी। आप हम देख सकते हैं कि सैडलर कमीशन जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया था कि किस तरीके से हमें वो इम्प्रूव करना चाहिए 1917 में, वो भी इसी के दौरान गवर्नर जनरल के दौरान हुआ था। और इन्होंने ही माउंटेन रिफॉर्म ने ही रिकमेंड किया था कि मोर इंडियन टू बी एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विस। हालांकि बोलने वाली बात अलग होती है लेकिन करने वाली बात अलग होती है। अगला हम जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 1926 के बीच में, यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया था, यानी उसको रद्द कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया था जो पिछली सरकार लेके आई थी, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। और इसके टाइम पीरियड के दौरान कई सारी घटनाएं हुई थी। मापीला रिवॉल्यूशन हुआ था केरला के अंदर 1921 में। याद रखना मापीला जो रिवॉल्यूशन है ये खिलाफत मूवमेंट से संबंधित था। खिलाफत मूवमेंट का जो भी वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टुगेदर हुआ था, उन दोनों का कोऑपरेशन था। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में तब जानेंगे जब हम हिस्ट्री कोशिश करेंगे। अभी तो हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट है वो नॉन कोऑपरेशन का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 का। तो वो भी इसी गवर्नर जनरल के दौरान हुआ था। और चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण 5 फरवरी 1922 को जो हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रद्द कर दिया गया था। याद रख लेना ये चोरी चोरा इंसिडेंट है, ये गोरखपुर के आसपास कर हुआ था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो आज वहाँ पर आता है। यहाँ पर हम इसके अलावा पॉइंट देखेंगे कि जो कम्युनल राइट थे वो बहुत ज़्यादा हुए थे इसके दौरान।
मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता, बहुत अलग अलग जगह पर हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काकोरी ट्रेन रॉबरी, जिसको काकोरी एक्शन के नाम से यूपी सरकार ने बताया है अभी पिछले कुछ समय में, तो 1925 में हुई थी। ये प्लान्ड रॉबरी थी जो ब्रिटिश सरकार की जो थी, क्योंकि इसमें हम यहाँ देखेंगे इसके अलावा एक फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी बाई M.N. रॉय 1921 में बनाई गई थी, और स्वराज पार्टी बाई C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू 1922 में बनाई गई थी आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सिविल सर्विस संबंधित भी एक है कि लॉर्ड रीडिंग के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वहाँ पर एक बहुत अच्छा फैसला किया गया था कि जो ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के जो एग्जामिनेशन है वो दिल्ली में भी होंगे और लंदन में भी होंगे। ये 1923 से स्टार्ट हो गए थे। पहले इससे पहले ये लंदन में ही एग्ज़ाम होते थे और मोस्टली वहीं पे प्रिपरेशन होती थी। यही वजह है कि जो इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडियन सिविल सर्विस में बहुत ही कम देखने को मिलता था। इसके अलावा और यहाँ पर हम कई देखेंगे उसमें कौन 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 से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली तो यही है और तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो जो हमने कर लिया है यहाँ पर एक चीज़ और। हम प्रेस जो प्रेस एक्ट था 1910 का, उसको भी रिपील कर दिया गया था इसी गवर्नर जनरल के दौरान में, और मर्डर हो गया था स्वामी श्रद्धानंद का। यहाँ पर हम एक पॉइंट भूल गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद जी एक महान लीडर थे आर्य समाज के, जिनके मर्डर हो गया था इसी के टाइम पीरियड में। तो यही इससे इन संबंधित इंफॉर्मेशन है। और अगला हम देखेंगे कोई हमें अगले जो वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है, और उसको हम गवर्नर जनरल के जो भी होंगे उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पार्ट वाइज जाएगा वीडियो, कि ये पहला पार्ट है। इसके अलावा दो तीन पार्ट और आएंगे जिसमें आपके सारे हम गवर्नर जनरल के जो पॉइंट, गवर्नर जनरल से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद गाइस।